ये है दुबई, 21st सेंचुरी का सबसे अमीर, ग्लैमरस एंड एक्स्ट्रावेगेंजा सिटी। जब हम दुबई के बारे में सुनते हैं, सबसे पहला हमारा दिमाग में एक ही ख्याल आता है, दैट इज ह्यूज गोल्ड, लग्जरियस कार, लॉट ऑफ मनी, पार्टीज एंड अनलिमिटेड सेक्स एंजॉयमेंट। दुबई में आज इतना पैसा है, कार से टॉयलेट तक हर चीज गोल्ड से बना हुआ है। एंड इतना ही नहीं, दुबई में पुलिस भी लैम्बोर्गिनी, फरारी जैसा कारों में घूमता है। एंड दुबई में हर एक आदमी आज मिलीनियर है। एंड दूसरी तरफ हो आप जो दुबई से 6000 माइल दूर बैठे हो एंड हर वक्त ये इमेजिन कर रहे हो, काश मैं दुबई जा सकता था एंड उस टॉप क्लास फैंटेसी लाइफ का भरपूर आनंद उठा सकता था। देन आप आते हो सपनों की दुनिया से हकीकत में एंड गेस व्हाट, आप फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हो अपना लाइफ को लेके, अपनी जॉब को लेके एंड अपने आप को एक लूजर फील करना स्टार्ट करते हो। बट मैं आपको दुबई की एक ऐसा सच के साथ रूबरू करवाऊंगा जो आपको हैरान कर देगा एंड साथ ही में आपकी इस फ्रस्ट्रेशन को हमेशा के लिए मिटा देगा। दुबई की इस टॉप क्लास लग्जरियस लाइफ को हर जगह प्रमोट किया जाता है, बट जो चीज़ दिखाई नहीं जाता है वो है दुबई की बिगेस्ट डार्क चैप्टर, दैट इज प्रोस्टिट्यूशन एंड अनगिनत नंबर्स ऑफ मजदूरों की डेथ। सो फार दुबई में अप्रोक्सीमेटली 50,000 प्रोस्टिट्यूट्स हैं एंड दे ऑल आर वर्किंग इन बार्स एंड क्लब्स। इनमें से ज़्यादा लड़कियाँ इंडिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान एंड नेपाल से बिलोंग करते हैं। इन लड़कियों को पैसों की लालच देके, मिसगाइड करके इस गंदी ट्रेड में लाया जाता है। दुबई में जितने भी हाई राइज बिल्डिंग हैं उसके पीछे हजारों लाखों मजदूरों की मौत छुपा हुआ है। दुबई में जहाँ घर से टॉयलेट तक हर प्लेस में एयर कंडीशन लगाया जाता है, एट द सेम टाइम उन मजदूरों को 45-50 डिग्री टेम्परेचर में 14-15 आवर्स काम करवाया जाता है एंड इन लेबरों की मरने का सिलसिला काफ़ी सालों से चल रहा है। अकॉर्डिंग टू ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन, हर साल एशिया एंड साउथ ईस्ट एशिया से 10,000 माइग्रेंट्स वर्कर की डेथ हो जाता है। दुबई में इतना ज़्यादा गर्मी है, गर्मी की वजह से मजदूरों को या तो हार्ट अटैक हो जाता है और एक्सीडेंट में मारा जाता है एंड इंडिया से हर रोज 5-7 मजदूरों की मौत हो जाता है। एंड आई नो आपके दिमाग में वन क्वेश्चन इज डेफिनेटली नॉकिंग, दैट इज अगर दुबई में इतनी गलत चीज़ हो रहा है देन मीडिया में ये सब चीज़ क्यों नहीं दिखाया जाता है? क्योंकि दुबई एक बहुत ही कंजर्वेटिव देश है एंड दुबई में लोगों को बोलने का भी आज़ादी नहीं है। इसके साथ और एक सवाल आता है, अगर दुबई इतना कंजर्वेटिव देश है देन सेक्स पार्टी, प्रोस्टिट्यूशन, हाई एल्कोहल कंजम्पशन, ये सब चीज़ क्यों अलाउ किया जाता है? एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, क्यों आज इतना ज़्यादा लेबरों के साथ टॉर्चर किया जाता है एंड क्यों आज उन सभी मजदूरों की पासपोर्ट छीन लिया जाता है? वेल, ये सब चीज़ के लिए आपको दो चीज़ जानना होगा। सबसे पहले दुबई की हिस्ट्री एंड दुबई की अर्निंग कैसे होता है। आज से कुछ दशक पहले दुबई सिर्फ एक बंजर रेगिस्तान हुआ करता था एंड दुबई के लोगों के पास मछली पकड़ना छोड़ के और कोई काम नहीं था। दुबई इतनी छोटा है, दुबई की साइज ओनली 35 स्क्वायर किलोमीटर एंड मुंबई से 19 टाइम्स स्मॉलर। साल 1958 में समथिंग क्रेजी हैपेंड इन दुबई। दुबई में पहली ऑयल फील्ड की खोज मिला था एंड दुबई को लगने लगा दे आर सिटिंग अंडर कोल्ड माइन। बट दुबई की प्रिंस शेख रशीद को रियलाइज हुआ जो तेल की खोज मिला वो बहुत ही कम है। देन रशीद प्लान समथिंग बिग। रशीद बिजनेस कम्युनिटी को टारगेट करते हुए दुबई को कम्प्लीटली टैक्स फ्री जोन बनाया। इसका मतलब दुबई में जो भी बिजनेस करने आएगा उन्हें कोई भी टैक्स देना नहीं होगा। एंड दुबई की बिगेस्ट एडवांटेज, दुबई की जियोपॉलिटिकल लोकेशन। एंड इस चीज़ का फायदा उठाते हुए रशीद ने दुनिया की वन ऑफ द बिगेस्ट पोर्ट को बिल्ड किया, दैट इज दुबई पोर्ट, जिसके थ्रू दुबई में खूब सारा बिजनेस स्टार्ट होने लगा। रशीद की पहली प्लान सक्सेसफुल होने के बाद रशीद टूरिज्म इंडस्ट्री के ऊपर फोकस करना स्टार्ट किया एंड दुबई में अब कंस्ट्रक्शन के काम शुरू होने लगा। बट इस कंस्ट्रक्शन काम के लिए चाहिए था बहुत सारा मजदूर एंड यहाँ से शुरू होता है असली कहानी। इंडिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान, नेपाल से बहुत सारा लेबर दुबई में आना स्टार्ट हो गया था बिकॉज उन दिनों में इंडिया की हालत बहुत ही खराब था। एंड एक बार वो लोग जब दुबई पहुँचते हैं सबसे पहले उन लोगों की पासपोर्ट छीन लिया जाता है सो दैट वो लोग वापस अपने देश जा ना सके। एंड अब इस मजदूर लोग दुबई में बुरी तरह से फंस चुका है एंड अब उन लोगों को रियलाइज होता है उनके साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है। बट अब बहुत देर हो चुका है, वापस जाने का कोई चांस नहीं है। उन लेबरों को इतनी गंदी हालों में रखा जाता है अब बिलीव नहीं कर पाओगे। फर्स्ट 2-3 मंथ इन लोगों को कोई सैलरी नहीं दिया जाता है अकॉर्डिंग टू द कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट पीरियड खत्म होने के बाद इन लोगों को डेली बेसिस पे किया जाता है
इट्स मीन नो वर्क नो पे। एक 10x10 रूम के अंदर 7 से 8 लोगों को एक साथ रखा जाता है एंड इन मजदूरों को पीने के लिए भी ठीक से पानी तक नहीं दिया जाता है। उन मजदूरों को मेन सिटी से एटलीस्ट 40-50 किलोमीटर दूर लेबर कैंप में रखा जाता है सो दैट टूरिस्ट एंड बिजनेस पीपल को दुबई की इस असली चेहरा कभी नजर ना आए। आज दुबई की पॉपुलेशन का 70% इज द लेबर पॉपुलेशन। 10th May 2011 तमिलनाडु की एक 38 ईयर्स ओल्ड वर्कर अथिरमन बुर्ज खलीफा की 147 फ्लोर से जम करके अपनी जान दे दिया एंड इन गल्फ कंट्रीज पे हर साल 2 से 3 हजार मजदूर अपनी जान गंवा देता है एंड इस तरह की सुसाइड केस हर साल बढ़ते जा रहा है। अगर इन लेबर लोग अपनी आवाज़ उठाता है देन आइदर इन लोगों को मार दिया जाता है और डर के मारे खुद ही अपनी जान दे देता है। एंड इस कहानी सिर्फ इंडियन की नहीं बल्कि हर एक बांग्लादेशी नेपाली पाकिस्तानी मजदूरों के साथ ऐसा ही होता है। डोमेस्टिक काम करवाया जाएगा बोल के इंडिया एंड रेस्ट ऑफ द एशियन कंट्री से एजेंसी के थ्रू यंग गर्ल्स को दुबई में लाया जाता है एंड इन लड़कियों को 24-24 घंटा बिना रोक के काम करवाया जाता है। अगर इनमें से कोई दिखने में अच्छी होती है देन उसे सीधा प्रोस्टिट्यूशन में डाल दिया जाता है। दुबई के ऑफिशियल वेबसाइट के मुताबिक दुबई के GDP का सिर्फ 1% ऑयल से आता है, इसीलिए दुबई आज टूरिज्म इंडस्ट्री को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करते हैं। दुबई में आज दुनिया भर से टूरिस्ट आता है एंड यू नो वेरी वेल जहाँ दुनिया भर की टूरिस्ट आता है वहाँ सेक्स पार्टी प्रोस्टिट्यूशन ये तो नॉर्मल चीज़ है। दुबई बाहर से जितना ग्लैमरस दिखता है रियलिटी में ऐसा बिल्कुल भी नहीं। सो इफ़ यू आर अ यंग एंड यू बिलोंग टू अ मिडिल क्लास फैमिली देन प्लीज़ दुबई की इस फैंटेसी लाइफ की ड्रीम देखना बंद कीजिए क्योंकि आज बहुत सारा इंडियंस दुबई में जाके फंस चुका है। Even they cannot come back at their home. So that's all guys. Thank you so much.